कोरोना वायरस के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग अन्य राज्यों और जनपदों में फंसे हुए हैं और अपने घर जाने के लिए बेताब है। ऐसे में सरकार की तरफ से जारी सुविधाओं का प्रवासियों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। लगातार प्रवासी अपने घर वापस जाने के लिए लंबी लंबी पैदल यात्राएं कर रहे हैं। प्रवासियों का कहना है कि उन्हें परिवहन सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए वह अपने घरों के लिए पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली में फंसे 2 दर्जन से अधिक मजदूर पैदल चलकर मध्य प्रदेश के जनपद सिगरौली में पहुंचे हैं। मजदूरों ने बताया कि वह दिल्ली से पैदल चलकर 15 दिनों में यहां पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें परिवहन की कोई सुविधा नहीं मिली और न ही सरकार से कोई मदद मिली है। वह सभी लोग भूखे प्यासे मासूम बच्चों को लेकर हजारों मील की यात्रा के बाद अपने गृह ग्राम खुटार सिंगरौली में पहुँचे हैं। तो आप लोग का मेडिकल वहाँ हुआ था, पास वगैरह मिला था? हाँ। दिल्ली से जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ आपका मेडिकल हुआ था? नहीं। पास भी नहीं है? कुछ भी नहीं, सब कोई साधन नहीं है। खाने के लिए भी तकलीफ हो रही है। नोएडा से चले हम लोग। नहीं तो एक बात ये बताइए, यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो खुटार, दिल्ली गए थे काम करने, खुटार के हैं आप लोग? तो अभी यहाँ पर तो आपको बैरन चिकित्सालय लेके जाया जाएगा, मेडिकल होगा, फिर आप लोग क्वारंटाइन होंगे। Thank you.